हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम चैप्टर नंबर 4 जो हमारा मल्टीप्लिकेशन है, जो कल हमने सेशन में किया था, उसको हम वीडियो के थ्रू रिवाइज करेंगे। ठीक है बेटा? तो आपने ये मल्टीप्लिकेशन में वर्कशीट नंबर 1 आपने कर ली थी। ठीक है बेटा, वर्कशीट 1 आपको इजीली आ गई थी, आपने FA2 से पहले ही कर ली थी। ये वर्कशीट नंबर 2 भी आपने कर ली थी बेटा। अब वर्कशीट नंबर 3 मैंने जो कल आपको करवाई है, इसकी मैंने आपको पिक्स भेजी थी, ये आपने कर ली होगी, है ना बेटा? तो वर्कशीट नंबर 4 है अब इसके आगे। वर्कशीट 4 में जब मैंने आपको ओरली मल्टीप्लाई करना सिखाया था, वो भी आपने कर लिया है ना, मैंने पिक भी भेजी थी इसकी। वर्कशीट नंबर 5 भी आपकी हो गई है। अब आपको जहाँ प्रॉब्लम आ रही है, वर्कशीट नंबर 6 बेटा आपको नहीं करनी है, वर्कशीट नंबर 6 आपको नहीं करनी, तो इस पर क्रॉस कर लेना। ठीक है, अब वर्कशीट नंबर 7 मैं आपको समझा रही हूँ। वर्कशीट नंबर 7 में आपको क्या बताना है कि अगर 3 डिजिट का कोई नंबर है, उसको आपने 2 डिजिट नंबर के साथ कैसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जैसे देखो यहाँ पे 234 मैंने लिखा है, वर्कशीट 7 का फर्स्ट सम। 234 को अगर 28 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करोगे, 8 4 द 32, तो 2 कैरी क्या आ जाएगी, 3। ठीक है, उसके बाद 8 3 द 24 24 प्लस 3 27, तो 7 कैरी क्या आ जाएगी, 2। उसके बाद 8 2 द 16 16 प्लस 2 18। ठीक है, ऐसे अब हमने वंस प्लेस के साथ कर ली। अब हम जाएंगे सेकेंड डिजिट के ऊपर। सेकेंड डिजिट जो हमारा है टेंथ प्लेस पे, वो क्या है, 2। ठीक है, तो उसके बाद 4 2 द 8। और यहाँ पे जब आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब आप सेकेंड डिजिट से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो आपने वहाँ पे एक क्रॉस लगा देना है, और अगर आप थर्ड डिजिट पे जाते हो तो वहाँ 2 क्रॉस लगा देते हैं। अभी सेकेंड डिजिट पे आप गए हो तो 1 क्रॉस लगाना है। ठीक है, तो 4 2 द 8 3 2 द 6 2 2 द 4। ठीक है, अब आपने एंड में क्या करना है, इसको ऐड 2, ये होता है आपका 0, जहाँ पे मैं क्रॉस लगा देती हूँ ना, उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। तो 2 प्लस 0 क्या हुआ, 2। 7 प्लस 8 क्या हुआ, 15। तो 1 कैरी आ गई यहाँ पे। 8 प्लस 1 7, 7 प्लस 6 क्या होगा, 7। 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 6 क्या होगा बेटा, 15। 1 कैरी, 4 प्लस 1 5 और 6 6 आ गया। ठीक है बेटा, तो इस तरह से पहले आपको एक एक डिजिट करके मल्टीप्लाई करना है और फिर उनको ऐड कर देना है। इसी तरह से आपने वर्कशीट 7 के सारे सम्स करने हैं। ठीक है, मैं आपको सॉल्यूशन भी भेजूंगी, लेकिन सॉल्यूशन आपने बाद में चेक करना है, पहले आपने सारे खुद ट्राई करने हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद अब हम मूव करते हैं वर्कशीट नंबर 8 पे। वर्कशीट नंबर 8 में है तो मल्टीप्लिकेशन, बट आपको क्या करनी है, उसको स्टेटमेंट के साथ लिखना है। तो स्टेटमेंट के साथ कैसे लिखोगे, देखो वर्कशीट नंबर 8 का फर्स्ट सम जो है, इन अ बुक, एक बुक में देयर आर 117 पेजेस, यहाँ पे 117 पेजेस हैं एक बुक में। हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन 21 सच बुक्स, आपको बताना है कि 21 बुक्स में कितने पेजेस होंगे। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप स्टेटमेंट लिखोगे नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, ये वर्कशीट 8 का फर्स्ट सम है बेटा, नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक, नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक। अ बुक मतलब एक बुक में कितने पेजेस हैं, तो कितने पेजेस हैं, 117। ठीक है, कितने हैं, 117। अब आपको बताना है 21 बुक्स में कितने पेजेस होंगे, तो नंबर ऑफ पेजेस इन 21 बुक्स। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 117 को 21 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। 117 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम वंस प्लेस वाले नंबर से करेंगे, 7 वंस द 7 1 वंस द 1 1 वंस द 1, और आगे क्रॉस लगा देंगे क्योंकि हम सेकंड डिजिट पे जा रहे हैं। 7 2 द 14 कैरी 1, 2 1 द 2 2 प्लस 1 3, 2 1 द 2। ठीक है, तो ये आ गया आपका 2 3 4। अब हम क्या करते हैं एंड में, ऐड। तो 7 प्लस 0 कितना हुआ, 7। 4 प्लस 1 कितना हुआ, 5। 3 प्लस 1 कितना हुआ, 4। 2 के साथ कुछ भी नहीं है तो क्या आएगा, खाली 2। तो ये आपका हुआ वर्कशीट नंबर 8 का फर्स्ट सम। बस आपने इसमें ध्यान रखना, करना आपने मल्टीप्लाई ही है, बस स्टेटमेंट के साथ लिखना है। ठीक है, ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में भी यही करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 19 चेयर्स। 19 चेयर्स की कॉस्ट निकालनी है, आपके पास एक चेयर की कॉस्ट है, एक चेयर की कॉस्ट कितनी है, 290, और 19 चेयर्स की निकालनी है, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई। ठीक है बेटा, तो इस टाइप से आपने ये जो 3 क्वेश्चंस रह गए हैं, ये आपने सॉल्व करने हैं। मैं आपको इसका भी सॉल्यूशन भेजूंगी, पर आपने देखना कब है उसको, पहले खुद ट्राई करना है और फिर उसके साथ उसको मैच करना है। ठीक है बेटा,
गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।